हेलो एवरीवन आई आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ससेप्टेबिलिटी के बारे में ससेप्टेबिलिटी जो है वो कभी कभी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है तो इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग द एंटायर थिंग अबाउट ससेप्टेबिलिटी एंड इस वीडियो के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्या होती है ससेप्टेबिलिटी और क्या इसे हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं तो ससेप्टिबिलिटी को ईजली समझ सकते हैं इस स्टाइग्राम से डैट इज कि अगर कोई भी लिविंग पर्सन है उसके पास कोई भी स्टिमुलस आया ये स्टूमलेस एक्सटर्नल इंटरनल कुछ भी हो सकता है उस लिविंग पर्सन ने इस स्ट्यूमलेस को रिसीव किया और रिसीव करके उसने अपना रिएक्शन शो किया ठीक एक तरफ से उसने स्ट्यूमलेस को रिसीव किया और फिर उसके बाद उसने अपना रिएक्शन शो किया तो ये चीज जो है स्ट्यूमलेस को रिसीव करना और रिएक्शन शो करना दैट इज ससेप्टिबिलिटी अब ससेप्टिबिलिटी जो है वो पूरे लाइफ में चेंज होती है डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट होती है और एक पर्सन में भी एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंट डिफरेंट होती है तो ससेप्टबिलिटी इज अ चेंजिंग क्राइटेरिया क्योंकि ये एक रिएक्शन ही होता है और रिएक्शन जो है वो किसी का भी हर टाइम सेम नहीं रहता है वो चेंज होता ही रहता है तो वैसे ही ससेप्टेबिलिटी भी क्योंकि ये रिएक्शन है तो ये भी चेंज होती है सिंगल पर्सन में भी ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में चेंज होती है तो अगर इसे समझें ससेप्टेबिलिटी लाइफ के टाइम पर क्या होती है किसी भी ह्यूमन बींग के लाइफ में पैथोलॉजिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं और पैथोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं तो इन दोनों में ही ससेप्टबिलिटी जो है वो अपना डिफरेंट रोल शो करती है तो लाइफ में जो है ससेप्टेबिलिटी बहुत ही वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया न्यूट्रिशन हो गया ग्रोथ हो गया डेवलपमेंट हो गया तो ससेप्टिबिलिटी का अलग रोल होता है मतलब अलग रिएक्शन अलग वे में वो अपने आप को परफॉर्म करती है एंड पैथोलॉजिकल में डिजीज डेवलपमेंट हो गया तो उस केस में जो है ससेप्टेबिलिटी का अलग ही फॉर्म होता है ये हो गया लाइफ का अब उसके बाद देखते हैं हेल्थ हेल्थ में क्या होता है कि ससेप्टेबिलिटी जो है नॉर्मल प्रोसेस कर सके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कर सके तो उस केस में जो है जो भी स्टिमुलस आते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस जितने भी आते हैं किसी भी लिविंग बॉडी में लिविंग बॉडी में जो भी स्टिमुलस आते हैं बाहर से एक्सटर्नल या फिर खुद इंटरनल के ही स्टिमुलस हो गए तो ये इस लिविंग बॉडी पे इंफ्लुएंस डालते हैं अब ससेप्टिबिलिटी जो है अगर नॉर्मल रहती है यहाँ पर अगर ससेप्टिबिलिटी का कोई चेंज नहीं आता है वो नॉर्मल रहती है तब पर्सन जो है वो हेल्दी कंडीशन में ही रहता है मतलब ससेप्टिबिलिटी नॉर्मल हुई उसने कोई रिएक्ट नहीं किया डेविएशन नहीं हुआ कोई भी तब वो हेल्दी हुआ पर्सन अगर यहीं पे जो इन्फ्लुएंसेस आए हैं अगर यहीं पे जो इन्फ्लुएंसेस आए हैं इससे जो है ससेप्टिबिलिटी नॉर्मल ना रहे एब नॉर्मल हो जाए उसमें डेविएशन आ जाए डेविएशन आ जाए मतलब कि वो जो रिएक्शन है उसका स्टिमुलस के तरफ जो रिएक्शन है वो या तो बहुत ही ज्यादा आ जाए या फिर कम आ जाए तो यहाँ पे अब ये नॉर्मल नहीं रहा ना नॉर्मल से नॉर्मल हुआ तब तो हेल्दी तो हुआ जो भी इन्फ्लुएंसेस थे अगर वो नॉर्मल रहा तब तो वो हेल्थ कंडीशन में रहा अगर जो है ससेप्टिबिलिटी जो है दैट इज जो रिएक्शन वो दे रही थी वो बहुत ही ज्यादा आ जाए की वजह से या फिर कम रहे जितना आना चाहिए उतना ना आ रहे उन दोनों ही केस या कम, उन दोनों की ही केस में, डिजीज हो जाता है। so, या तो वो ज्यादा रहती है या तो कम रहती है बट नॉर्मल नहीं रहती है नॉर्मल नहीं रहती है तो मतलब वो डिजीज डेवलप को प्रोन कर देती है बॉडी को डिजीज में अगर बढ़ा हुआ है तो ये टेम्परमेंट अपने को रिप्रेजेंट करता है तो अगर बढ़ा हुआ है सेप्टिबिलिटी हाई है तो हम लोग यहाँ पे जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करेंगे जब हम लोग अपनी सिमिलिमम देंगे उस पर्सन को तब वो उस हाई सेसेप्टिबिलिटी को नॉर्मलाइज करेगा हाई सेसेप्टिटी को कम करेगा नॉर्मल लेवल पे लाएगा एंड हेल्थ को रिस्टोर करेगा तो ये हो गया डिजीज में जब ससेप्टिबिलिटी हाई है अगर ससेप्टिबिलिटी जो है पर्सन की लो हो गई है अब लो होना ज्यादा डेंजरस क्राइटेरिया है क्योंकि लो में क्या है कि उसके रिएक्शन बहुत ही कम आ रहे हैं रिएक्शन कम आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो डिजीज है वो अपने आप को शो ही नहीं कर रही कोई मैनिफेस्टेशन नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे जब मैनिफेस्टेशन नहीं आ रहे हैं तो उस केस में जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट करना बहुत ही टफ होता है बट फिर भी हम लोग जो स्लगिशनेस आती है किसी भी पर्सन में डिजीज के वजह से और बहुत ही डल मूड हो जाता है तो इन सबको हम लोग कंसिडर करके होम्योपैथी के लिए हम लोग ट्रीट कर सकते हैं और यहाँ पे इस को जो लोअर सेसेप्टिबिलिटी है जो कम हो गई उसको नॉर्मलाइज करके फिर हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं तो ये हो गया डिजीज कंडीशन में जब बढ़ जाती है एंड जब कम हो जाती है ससेप्टिबिलिटी तो जब डिजीज कंडीशन थी तब ससेप्टिबिलिटी हाई थी और लो थी ठीक है नॉर्मल नहीं थी तो हमने जब होम्योपैथिक मेडिसिन दी तो उसने क्या किया कि इसको नॉर्मल लेके आया जो ज़्यादा था उसको कम किया थोड़ा और जो ये कम था

तो यहाँ पे नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी होना इज द प्री रिक्वायरमेंट फॉर द क्योर टू इस्टेब्लिश तो ये हो गया क्योर में ससेप्टिबिलिटी क्या होती है अब इसके बाद देखते हैं कि जो हम लोग होम्योपैथिक रेमेडीज देते हैं तो उन रेमिडीज में और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन है जब भी डिजीज कंडीशन में हम लोग जो भी रेमेडी देते हैं तो ससेप्टेबिलिटी जो है पर्सन की वो हर रेमेडी के लिए होती है मतलब ससेप्टेबिलिटी को रिएक्शन ही समझिए तभी आपको सब कुछ ईजी समझ में आ जाएगा तो मतलब ये है कि कोई भी हम लोग रेमेडी दें होम्योपैथिक रेमेडी दें तो उसकी जो बॉडी है वो रिएक्ट करेगी वो रिएक्शन शो करेगी लेकिन जो सब अगर हम लोग सिमिलिमम दें तो जो सिमिलिमम होती है उसके लिए ससेप्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है मतलब उसके लिए रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम आता है तो इसीलिए सिमिलिमम जो है कहा जाता है कि बहुत जल्दी प्रूव कर इसीलिए बोला जाता है कि सिमिलिमम जो है बहुत ही जल्दी उसका इफेक्ट आता है और बहुत ही जल्दी वो क्योर को स्टेब्लिश करती है अगर हम लोग जिक जैग पैटर्न में जाएं मतलब कि हमें जो मेडिसिन नहीं भी लग रहा हम लोग उसे दें तो तो एक जिग क्योंकि रिएक्शन आएगा ही थोड़ा रिलीफ तो थो मिलेगा ही लेकिन जो आ, क्योर है क्योर का जो पाथवे है वो क्योर तो डेवलप होगा लेकिन जो उसका टाइम है वो बहुत ज्यादा लग जाएगा तो इसीलिए फिर कहा जाता है कि होम्योपैथी जो है वो बहुत टाइम लेती है टाइम इसीलिए रहती है कि आपने सिमिलिमम सेलेक्ट नहीं करी सही से तो इसीलिए दिस इज फॉल्ट अब अगर हम लोग जो मेडिसिनल डोसेज देते हैं तो वो भी ससेप्टिबिलिटी पे ही डिपेंड करता है अगर किसी पर्सन की ससेप्टिबिलिटी हाई है तब हम लोगों को जो है मेडिसिनल क्वालिटी जो है उसको बढ़ाना होगा दैट इज पोटेंसी बढ़ानी होगी एंड क्वान्टिटी को कम करना होगा में मेनली पोटेंसी की बात कर रही हूँ अगर पोटेंसी अगर देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ससेप्टिबिलिटी के ये हम लोग पोटेंसी सिलेक्शन में भी समझ चुके हैं कि अगर ससेप्टिबिलिटी कि किसी की हाई होगी तो हम लोग उसको हाई पोटेंसी देंगे तो यहाँ पे जो मेडिसिनल क्वालिटी होगी वो ज्यादा होगी और क्वांटिटी कम होगी तो दिस इज द वेल डिस्क टॉपिक पोटेंसी का ससेप्टिबिलिटी से अगर आपको नहीं क्लियर uh, हुआ है तो आई बी गिविंग द द लिंक इन डिस्क्रिप्शन तो आप वहां जाके पोटेंसी सिलेक्शन को फिर से क्लियरली समझ लीजिएगा तो ये हो गया पोस्लॉजी से इसका रिलेशन ससेप्टिबिलिटी का जिक जैक पैटर्न में देते हैं अगर मेडिसिन को तो क्योर स्टेब्लिश होता है बट उसमें कभी कभी सप्रेशन भी आ सकता है तो ससेप्टिबिलिटी और सप्रेशन का रिलेशन ये होता है िटी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते अगर हम लोग ने मेडिसिन गलत दे है तो इसका मतलब ये नहीं है उसकी खत्म सप्रेशन आ रहा है कभी कभी सप्रेशन करना भी इम्पोर्टेंट होता है तो उस केस में क्या होता है जो ससेप्टिबिलिटी होती है हमारी वो मॉडिफाई हो जाती है सप्रेशन अगर सिमिलिम की वजह से हुआ है तो ससेप्टिबिलिटी मॉडिफाई होगी बट अगर सप्रेशन किसी भी एंटीबायोटिक से हुआ है या फिर किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से सप्रेशन हुआ है तो उस केस में ससेप्टिबिलिटी जो होती है ये मॉडिफाई नहीं होती है और मॉडिफाई नहीं होने के कारण ही ये चीज जो है डिजीज रिलैप्स हो जाती है अब उसके बाद डायथेसिस में ससेप्टिबिलिटी का क्या रोल है दैट इज की जो होती है, इसको अगर हम लोग समझें अलग से, लग से, लग से, लग से कि कि क्या होती है? होता है होता उस पर्सन का वीक पॉइंट क्या है जैसे कि किसी का गाउटी है, तो मतलब कि अगर कोई भी डिजीज आएगी तो वो उसके बोन पे जाके अटैक करेगी सबसे पहले उसको गाउटी गाउट होगा ठीक तो है तो वो गाउटी डायथिस का हुआ तो इसका मतलब ये है कि जो उसका स्फेयर ऑफ एक्शन है डिजीज का एक्शन दैट इज डाय ठीक तो ससेप्टेबिलिटी जो है अगर हमें किसी की डायथिस पता है तो हम लोग सेसेप्टिबिलिटी को यूज कर सकते हैं उसका प्रिवेंशन के लिए कि हमें पता है कि उसका जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा रिएक्शन आएगा तो हम लोगों को जैसे ही उसकी जैसे ही उसको थोड़ा सा डिसकंफर्ट हुआ तो हमने उसकी सेसेप्टिबिलिटी पहले ही जान ली कि ये जो है इसकी यहाँ डायथिस है यहीं पर डिजीज आएगी तो इस वजह से हमने पहले ही उसकी प्रिवेंटिव मेडिसिन दे दी है यही का रोल होता है में, प्रेवेंशन। डिजीज आने वाली है तो वो उसके बोन्स पे जाके पहले अटैक करेगी तो हम लोग पहले ही उसको प्रिवेंटिव मेडिसिन दे देते हैं जिससे कि उसके बोन्स बच जाए ठीक है जो भी उसका डायथिस है जहाँ पे भी उसका वीक पॉइंट है वो उसका सेफ हो जाए और डिजीज पे डेवलप ही नहीं होगी तो इस वजह से ससेप्टेबिलिटी का रोल है कि हमें पता होना चाहिए ससेप्टेबिलिटी कहाँ की उसकी हाई है कहाँ पे उसका क्या डायथसिस है उसकी अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ससेप्टेबिलिटी जैसे अलग अलग होती है वैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग ही होता है और ससेप्टेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करती है जैसे हाई ससेप्टेबिलिटी है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसका जो है जो कि टेम्परमेंट एंड डायथिस से ही समझ में आता है कॉन्स्टिट्यूशन टेपरमेंट एंड डायसिस से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक If you have any doubt, do comment below. Also, like, share, and subscribe to the channel. Thank you.